चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आपने जो सिद्धांत लिखे हैं वो शायद आपने याद भी कर लिया होगी, अगर इनको याद कर लिया तो ये लेसन पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। देखिए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर दिया गया है शिक्षण संकेत, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इस कविता में ईश्वर के बारे में बताया गया है। अपना ध्यान केवल बुक में रखना और इन शब्दार्थों को भी ध्यान रखना। शिक्षण संकेत में दिया गया इस कविता में ईश्वर के बारे में बताया गया। ईश्वर कौन है? भगवान है, जो हमारी रचना की है, जिसने पेड़ पौधों को बनाया, जिसने तारों को चमकाया है, जिसने चांद सूरज को बनाया है, जिसने ये तारे चमकाए हैं, जिसने सूरज चांद बनाए, जिसने तारों को चमकाया है, जिसने सूरज चांद को बनाया है, जो दिन रात करता रात बनाता, जिसने दिन को दिन बनाया है, रात को रात बनाया है, सारा जग क्या करता है, उसकी गुणगान करता है। सर्दी जाती गर्मी आती, सर्दियों का मौसम भी आता है, गर्मियों का मौसम भी आता है। क्या ये प्राकृतिक नहीं है? ये क्या ईश्वर ने नहीं बनाया है? किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर की वजह से ही यहाँ सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी वर्षा का मौसम आता है और कभी जल बरसाती है। जो पतझड़ फिर बसंत लाता और फिर पतझड़ के बाद में क्या लाता है? बसंत ऋतु लाता है, सारा जग उसके गुण गाता है। हरे भरे ये खेत उगाए, ये जो हरे भरे खेत है, ये उगाने वाला कौन है? ईश्वर है। ऊंचे पर्वत खूब बनाए, ये पर्वत बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। झील नदी का जो जल दाता, सारा जग उसका गुण गाता। ये झील, ये नदियाँ, ये बनाने वाला कौन है? ये ईश्वर है। ये पानी कहाँ से आता है? यह आता है ईश्वर के द्वारा। ईश्वर ने ही हमें पानी दिया है, ईश्वर ने ये नदियाँ बनाई है, ईश्वर ने ये झील बनाए हैं, पर्वत बनाए हैं, पहाड़ बनाए हैं, तारे बनाए हैं, सूरज और चांद बनाए हैं, और सारा जग क्या करता है? उन्हीं के गुण गाता है। जिसने कीट पतंग बनाए, मैंने सिद्धार्थ में लिखा था कीट पतंगों का क्या बताया था? कीट और मकोड़े। जिसने कीट पतंग बनाए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बड़े जानवर, वो किसने बनाए हैं? ईश्वर ने बनाए हैं। नाना पशु पक्षी उग जाए, ये चिड़िया, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये सब किसने बनाए हैं? ये सब भी ईश्वर ने ही बनाए हैं। जो अनाज फल फूल उगाता है वह कौन उगाता है? ईश्वर उगाता है। यह कौन बनाता है? ईश्वर बनाता है। यहाँ अन्न देने वाला, अन्नदाता कौन है? भगवान है। जलदाता कौन है? भगवान है। सारा जग उसके गुण गाता है, इसीलिए पूरा संसार उसके गुण गाता है। जिसने हमें जीवन दान दिया है, जिसने हमें जल दिया है, जिसने हमें अन्न दिया है। जो है जीवन देने वाला, हम सबका जो है रखवाला, हमें जीवन देने वाला कौन है? ईश्वर। ईश्वर ने क्या किया है? हमें जन्म दिया है, हमारी रक्षा की है। रखवाले का अर्थ मैंने लिखवाया था, ये देखिए, रखवाले का अर्थ है रक्षक। जो हमारी रक्षा करने वाला है कौन है? भगवान। हमारा रक्षक कौन है? ईश्वर है। सो है पिता और है माता, सारा जग उसके गुण गाता। सो है पिता, वो और है माता, वही तो हमारे क्या है? पिता है, और वही हमारी क्या है? माता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? उनके गुणगान करते हैं। हम सब भी उसके गुण गाएं और मिलकर शीश नवाएं। हम सब भी मिलकर क्या करेंगे? ईश्वर का गुणगान करेंगे। अब आप लोगों को आज पता लगा है कि हमें किसका गुणगान करना चाहिए? ईश्वर का करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें वो जल देता है, अन्न देता है, जीवन देता है। जीवन देने वाला ही अगर वो है तो हम उसका एहसान मानना चाहिए कि हमें उन्होंने इस धरती पर जन्म दिया है, हमें उन्होंने बनाया है। आज हम सब मिलकर क्या करेंगे? उनके सामने शीश झुकाएंगे। आज के लेसन में यही दिया गया है कि हमें किसका गुणगान करना चाहिए? हमें ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। ईश्वर का गुणगान करें क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें जल देने वाला, ये पहाड़ बनाने वाला, नदियाँ बनाने वाला, वर्षा देने करने वाला, तारों को चमकाने वाला, सूरज चांद बनाने वाला सब कौन है? ईश्वर ही है। तो इसलिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और